खबर साहिबगंज से। यमुनादास चौधरी बालिका उच्च विद्यालय में जिला स्तरीय नया भारत गढ़ो प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। साहिबगंज जिले स्थित यमुनादास चौधरी बालिका उच्च विद्यालय में नया भारत गढ़ो प्रतियोगिता का आयोजन साहिबगंज जिला शिक्षा पदाधिकारी दुर्गानंद झा के नेतृत्व में किया गया, जिसमें साहिबगंज जिले के विभिन्न स्कूलों के 70 छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में क्विज प्रतियोगिता तथा सस्वर पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें कि छात्र छात्राओं ने अपनी प्रतिभा दिखाई। इससे पूरे नया भारत गढ़ो कार्यक्रम में साहिबगंज जिले के जिला समन्वयक बनाए गए डॉक्टर रणजीत कुमार सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बताया कि इस प्रकार के कार्यक्रमों से छात्र छात्राओं में बौद्धिक शक्ति का विकास होता है तथा हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर भी उपलब्ध रहती हैं, किंतु आपके परीक्षा में आपके द्वारा पढ़ा गया जानकारी है कार्य करता है, इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा पुस्तकों का अध्ययन कीजिए, ज्यादा से ज्यादा ज्ञान अर्जन कीजिए। इस नया गढ़ो भारत गढ़ो प्रतियोगिता में यमुनादास चौधरी बालिका उच्च विद्यालय, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, जवाहर नवोदय विद्यालय तथा पब्लिक हाई स्कूल के छात्रों ने हिस्सा लिया। निर्णायक मंडल भूमिका में चंपक दत्ता, हिमांशु गोहा, पलक केसरी कार्यक्रम के सफल संचालक के लिए रामकृष्ण मिशन आश्रम के जिला मुख्य समन्वयक डॉक्टर अजीत कुमार सिंह, प्राचार्य प्रशांत कुमार राय, हिमांशु शेखर गुहा, चंपक दत्ता, कार्तिक शर्मा, अमित कुमार, श्रीमती मीरा कुमारी, मुवत्तर हुसैन आदि उपस्थित थे। हम शिक्षकों का समाज और राष्ट्र के प्रति आपका क्या समर्पण होना चाहिए, क्या भाव होना चाहिए, उसके लिए आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। और यह एक परीक्षा लेने का एक प्रतियोगिता है और सभी लोगों ने भाग लेने का एक हम लोगों ने एक आप तक पहुंचने का एक प्रयास है। रामकृष्ण मिशन जो स्वामी विवेकानंद जी जो एक आदर्श पुरुष थे और पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक आदर्श पुरुष थे, और केवल पुरुष ही नहीं थे बल्कि उनके आदर्शों के अनुसार इतने कम उम्र में पूरे भारत को नहीं पूरे विश्व को एक नया ज्ञान दिया था, एक नई उम्मीद दी थी, और उसी उम्मीद के साथ आप लोग आगे बढ़ेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ कि हम इस बौद्धिक सत्र में आपका जो इस तरह की प्रतियोगिता होता है उसमें आप बौद्धिक और मानसिक दोनों आपका उसमें उपयोग होता है। इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ लोग होंगे, ये प्रतियोगिता तो जरूर होंगे, लेकिन आप सभी ने भाग लिया और प्रश्न को देखा होगा। निश्चित रूप से जो डाउट्स होते हैं वो आप क्लियर हमारे शिक्षक करेंगे, आपको भी बहुत सारे इसमें डाउट्स होंगे और डाउट्स क्लियर के लिए हमारे सर लोग बैठे होंगे। तो आप लोग जब भी इस तरह का हो एक जिज्ञासु छात्र बने, और उसी को उम्मीद के साथ मैं आज की इस अध्यक्षता कर रहे इस सौभाग्य हम लोगों का हम इस मिशन का कि नया भारत गढ़ो परीक्षा इस प्रसाल में हो रहा है और उसके मुखिया हमारे आदरणीय प्रशांत सर हैं, जो लगातार इसके पूर्व जैसा कि आप जानते हैं कि यह प्रतियोगिता दो मोड में लिया जा रहा है, पहला ऑनलाइन और दूसरा ऑफलाइन। यह किसी कारण बस कोई बच्चा वंचित रह गया है ऑनलाइन करने से, तो उसके लिए ऑफलाइन व्यवस्था दी गई थी। चूँकि ये कार्यक्रम बहुत बृहद रूप से नहीं कर पाए उसके लिए हमें खेद है, तो पूरे जिले से होना चाहिए था और समय अभाव के कारण, लेकिन हम लोगों ने यह प्रयास किया है कि हम छात्र तक पहुँचे। और मिशन का भी यही मानना है कि हम लोग युवाओं का जो हमारे भारत है जो नए भारत गढ़ने वाले हैं उसके प्रति हम लोग जाए। तो मैं अनुरोध करूंगा हमारे आदरणीय प्रशांत सर से, वो अपने मार्गदर्शन हम बच्चों को दें। खबर भारत वर्ष के लिए साहिबगंज झारखंड से सुमन कुमार झा की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी फैसला जनतंत्र का।